इस जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर उत्तर प्रदेश की जोड़ी मसलत है उसको पकड़ कर उसको रोजगार पड़ेगा। अपने बाप के बाप को भी पकड़कर कार्रवाई करने की बात कहते ये हैं मोदी कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटिक। वीरेंद्र खटिक टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री जी छतरपुर जिला पंचायत में जन सुनवाई में पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद खनिज अधिकारी अमित मिश्रा की जमकर क्लास लगा दी। जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर उत्तर प्रदेश की जोड़ी मसलत है उसको पकड़ कर रोजगार पड़ेगा, इससे बड़ी बात कोई कहना चाहिए। कोई व्यक्ति घर को किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? नहीं पुराने दो बड़ा के मतलब जो व्यक्ति कोई कहीं से चोरी करके वो रेल में सप्लाई कर रहा है, चोरी का मालिक तो वह कैसे सप्लाई हो रहा, तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए। चोरी करने वाला अलग और चोरी करके उसको अपने आपको बचाने के लिए अपराध पे नाम जुड़वाने के लिए तीसरा व्यक्ति, आप लोग क्या देखते हैं? ठीक नहीं है। रेत की चोरी जिले की समुदाय है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा समुदाय की स्थिति है। और आप मतलब वहां को क्या अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब किसान लगना तो मारी जाएगी। कोई अगर अपने आप को निरपराध घोषित करने के लिए तो उसने वो अपराध किया ही नहीं है, वो दरखास्त लेके यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारी कहीं ना कहीं गलती है। और इस तरह से मतलब बेदरक होकर रेत की चोरी भी कर रहे हैं और बेचने के बाद तीसरे व्यक्ति का नाम वहां पर जोड़ रहे हैं, उन्होंने इसकी तुरंत जांच करके तुरंत कार्रवाई करो और रिकवरी निकालो उसके विरुद्ध। इस मामले को लेकर दास सूत्र ने खनिज अधिकारी अमित शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि ये 2015 का मामला है, तब बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एक मामला बना था। प्रक्रिया के तहत मामला अलग अलग लेवल पर गया, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह की शिकायत पर खनिज अफसर को फटकार लगाई। इस मामले में पीड़ित लोकेंद्र सिंह का कहना है कि खनिज विभाग ने मुझ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया जबकि मैं तो खुद पीड़ित हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले बरवाई में खनन हुआ था, इसी मामले में रेत माफिया ने मेरा नाम पंचनामा में लिखवा कर मुझे दोषी बना दिया जबकि मैंने प्रशासन की मदद की थी। अब रेत माफिया षड्यंत्र रच रहे हैं, इसी की शिकायत मंत्री से की गई है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।